मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हम लगातार दो बेंच पढ़ रहे हैं, एक आर्मी स्पेशल बेंच और एक राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन बेंच। और आज का हमारा बेंच है जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, आर्मी स्पेशल बेंच और क्लास 28। दोनों ही बेंच की जानकारी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी दोस्तों। आज क्लास शुरू करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो जब सो रहे हो सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, घातांक एवं करणी का आज पार्ट टू है और इसका पहला पार्ट हम लोग इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो एक बार आप उसको जरूर देख लें। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। देखिए, पहले एक बहुत ही साधारण से सवाल से, ताकि जो हमने जानकारी आपको पिछली वीडियो में दी है वो आपके काम आए। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 2 की पावर 2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, 2 की पावर 2 क्या होगा, आप 2 की 2 बार गुणा कर दीजिए, मतलब 2 × 2 = 4। तो दोस्तों, इसका मान हुआ 4 प्लस कितना दोस्तों 1, और 4 और 1 कितना हुआ 5। इस सवाल का आंसर कितना हुआ दोस्तों 5। अब जैसे कि दोस्तों आपको बताया गया पिछली वीडियो में कि अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान केवल और केवल क्या होता है 1। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है। सेम टू सेम सवाल दोस्तों ये है, 343 की पावर कितना है 0। तो अगर कोई भी संख्या हो, चाहे 5 हो दोस्तों, चाहे 343 या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, अगर किसी भी की भी पावर 0 है तो उसका मान केवल और केवल क्या होगा दोस्तों 1। तो इस सवाल का भी जवाब क्या है दोस्तों 1 हुआ। आइए दोस्तों इसी तरीके से यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 की पावर 0, और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2। तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि 5 की पावर 0 का मान क्या है दोस्तों 1 है, और 5 की पावर 2 का मान आप अच्छे से जानते हैं कि 5 का वर्ग कितना होता है। तो 5 का वर्ग 5 × 5 अर्थात 25। दोस्तों यहाँ पे कितना आया 25, और अब आपने क्या करा 25 और 1 को जोड़ दिया, तो आपका आंसर आ गया है दोस्तों 26। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा कि 7 की पावर 0 का मान कितना हुआ दोस्तों 1, और 7 की पावर 3 कितना हुआ दोस्तों 7 की पावर 3, बताइए जरा। 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 = 49 कितने दोस्तों 343 गुणा कर लेंगे आप लोग, बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे किसको 1 और 343 को, तो दोस्तों ये कितना हुआ 344। जोड़ दिया दोस्तों 3 और 1 = 4 हो गए, तो दोस्तों कितना हुआ 344 हुआ है। तो इस सवाल का आंसर आया है 344। इसी तरीके से देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 3, और आप अच्छे से जानते हैं कि 4 की पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा, जबकि 4 की पावर 3 का मान क्या होगा दोस्तों 4 की पावर 3, मतलब क्या 4 × 4 × 4, 4 × 16, 16 × 64। तो दोस्तों ये कितना हुआ 64, और जैसे कि आप जानते हैं 64 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे 65। तो इस सवाल का आंसर कितना आया है दोस्तों 65 आ गया है। बट तो देखिए दोस्तों, अभी जो सवाल लिखे हमने, ये सभी एक ही बेसिक रूल पे हैं, जो कि पिछले क्लास में वीडियो में आपको बताया गया। हमने अब आपको बताया था कि अगर बेस बराबर है और घात में मान लीजिए यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे n लिखा है दोस्तों, तो अगर बेस समान है और बीच में बराबर का ये चिन्ह बना हुआ है, तो आप बेस हटा दीजिए और घात को बराबर कर दीजिए, यानी कि x बराबर कितना हुआ दोस्तों। तो इसी आधार पर दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, कहा यदि 2 की पावर x बराबर किसके हो 2 की पावर 5 के हो, तो क्या दोस्तों यहाँ बराबर है, अच्छा हो तो x का मान बताना है दोस्तों x का। तो देखिए दोस्तों क्या कहा, ये तो कितना है 2 की पावर x है, और ये कितना है 2 की पावर 5, और जैसे कि आप सब देख सकते हैं बिल्कुल इसी नियम के तहत कि यहाँ पे बीच में क्या है बराबर बना हुआ है, तो आप बेस से बेस हटा दीजिए, तो x का मान कितना है दोस्तों 5। तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों 5 है। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसमें देखिए, यदि 7 की पावर x = 7 की पावर 3 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप 7 से 7 हटा दीजिए और x बराबर कितना हुआ आपका 3 हुआ, तो x का मान कितना हो गया दोस्तों 3। यहाँ पे देखिए आगे दोस्तों, यदि 11 की पावर 3 = 11 के x हो तो x का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन लिखा है हमने, हम यहाँ 11 से 11 हटा सकते हैं और 3 बराबर कितने दोस्तों x के, या इसी बात को लिख सकते हैं कि x बराबर किसके दोस्तों 3 के। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को। तो दोस्तों आपसे फिर कह रहा हूं कि कमेंट जरूर किया करें वीडियो पर। तो देखिए दोस्तों अब सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 10 अब तक, और इसमें कहा है कि यदि y की पावर 10 × y की पावर 15 बराबर
वाई की पावर 2 के गुणा वाई की पावर कितना 3 के हो, तो के का मान बताइए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या बताना है, के का मान, और देख सकते हैं कि के का मान लिखा है पावर में। तो देखिए दोस्तों, बराबर से इस तरफ भी क्या है गुणा है, इस तरफ भी क्या है गुणा है। जैसे कि अब तक हम देख रहे थे, जैसे पिछले देखा हमने कि 11 की x बराबर 11 की 3 हो गया, तो हमने बहुत ही आसानी से ये हटा दिया था। तो दोस्तों, उससे पहले हमने अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमें एक नियम लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं और हमने पढ़ा है कि अगर बेस समान है और दोस्तों गुणा में हो संख्या है, तो बेस को एक ही बार लिख लीजिए, बस ऐसे लिख लीजिए, जैसे a की पावर m है, a की पावर n है, तो और पावर को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। तो ये मेथड अगर हम यहाँ पे लगाएं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इधर देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे y गुणा y, यहाँ पे पावर 10 है और यहाँ पे 15, तो एक ही बार y लिख लीजिए आप बस, और इन पावर को यानी कि 10 को और 15 को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ करिए, एक ही बार क्या कर लीजिए, y लिख लीजिए और पावर को जोड़ दीजिए, तो कितना दोस्तों, 2k प्लस कितना 3k। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई। तो दोस्तों y से क्या हुआ, y कट गया। अब बताइए यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, 10 और 15 कितने हुए, 25। कितने हुए दोस्तों, 25। और 2k और 3k कितना हो गया दोस्तों, 5k। और आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 5k बराबर कितना, 25। आपने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर, LHS को RHS में लिख दिया दोस्तों, RHS को LHS में, मतलब आपने कुछ बदल दिया है, आप इधर से उधर नहीं ले गए कि इनका चिन्ह परिवर्तन हो, तो चिन्ह परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है, गुणा में, तो गुणा को हम कहाँ लेंगे, भाग में। तो k का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25, और यहाँ पे देखिए 5 है और 5 यहाँ पे बटे में लिखा आपने, और इस 5 से इस 25 को काट दिया आपने 5 बार। इस तरीके से दोस्तों k का मान कितना आ गया आपका, k का मान कितना आ गया दोस्तों, इधर क्या बचा है, 5। तो k बराबर कितना दोस्तों, 5। यही इस सवाल का क्या हुआ दोस्तों, जवाब हुआ। तो देखिए हमने क्या करा, गुणा में थे तो ये नियम लगाया कि बस y को एक ही बार लिखा और ये 10 और 15 जोड़ दिए। यहाँ पे भी ऐसे किया, y को लिखा और घात जोड़ दी 2k और 3k। अब हमने बराबर है दोस्तों, बेस समान है, तो y से y काट दिया। अब देखिए ये कितना बचा था आपका, 25, और ये कितना हुआ दोस्तों, 2 और 3 5k, और 5k बराबर हुआ 25, 5 गए बटे में, तो 5 बजे 25। आंसर आया दोस्तों k का 5। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि यदि x की पावर 3 बराबर हो किसके, 5 की पावर 3 के, तो x का मान बताना है दोस्तों क्या होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, पावर बराबर, बीच में क्या है, बराबर का निशान है, और पावर क्या है, दोनों की सेम है। तो जैसे हम बेस काट के पावर बराबर रख सकते हैं दोस्तों, तो पावर हटा लीजिए, बराबर ही है ना दोनों। तो इस तरीके से x का मान कितना होगा दोस्तों, 5। अगर आपको बात यहाँ नहीं समझ में आई है तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है। यदि x की पावर 7 बराबर 2 की पावर 7 हो, तो x का मान बताइए। तो क्या करिए दोस्तों, 7 हटा दीजिए, x का मान कितना बचा है, 2 बचा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि 16 की पावर 8 बराबर x की पावर 8 हो, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पावर समान है, तो बताइए क्या बचा, 16 बराबर किसके, x के, या कह सकते हैं कि x बराबर कितना, 16। तो इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर आया दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पे। a की पावर 5 बराबर कितना दोस्तों, 32। तो a का मान क्या होगा ये बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, देखना है कि ये आखिर किसकी पावर 5 है। जैसे यहाँ a की पावर 5 है, तो ये किसकी पावर 5 है। तो दोस्तों अगर हमें नहीं समझ में आता है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 2 से ये 16 कितनी बार कट जाएगा, 32, और 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 8 बार। 2 से 8 कितनी बार कटा, 4 बार। 2 से 4 कितनी बार कटा है, 2 बार। और 2 से दोस्तों 2 कितनी बार कटा है, 1 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो दोस्तों कितनी बार कटा है, 5 बार। तो यानी कि दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, उम्मीद है आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि 2 की पावर ही कितना लिखेंगे, 5। 2 कितनी बार आया दोस्तों, 5 बार। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 2 को अगर हम ऐसे लिखेंगे ना दोस्तों, कितनी बार, 5 बार दोस्तों। तो इससे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको लिखा दोस्तों कितना, 2 की पावर 5। अब गौर से देखिए दोस्तों, पावर समान है, तो a का मान कितना है दोस्तों, 2। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर हुआ इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या है, ये देखिए सवाल, ये 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर गुणा दोस्तों, 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5 का मान बताइए। तो दोस्तों जैसे कि हमने समझा है कि अगर बेस समान है और गुणा है, तो गुणा में घात क्या होंगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। बस a को एक बार लिखिए और घात को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सेम मेथड लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी क्या है, 2, यहाँ पे भी क्या है, 2। तो जैसे यहाँ पे भी ये होता है, यहाँ पे भी ये होता है, तो 2, 2 है यहाँ पे, तो दोस्तों कितनी बार लिखेंगे। जैसे a को एक ही बार लिखा, यहाँ पे भी 2 को क्या करा, एक ही बार लिखा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 को लिख लीजिए। अब क्या करिए देखिए, जैसे m और n को प्लस किया यहाँ पे, तो इसी तरीके से 4 को और 5 को प्लस कर लीजिए दोस्तों। तो 4 और 5 कितने हैं दोस्तों, 2 की पावर 5 और 4 कितने, 9। अब दोस्तों इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, 2 की गुणा 9 बार करेंगे,
कितनी बार करेंगे दोस्तों? 9 बार करेंगे, ये हमें करनी है 9 बार। तो देखिए दोस्तों 9 हो गए क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 2 दुनी 4 दुनी 8 दोस्तों, समझिए 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, 32 दुनी 64, 64 दुनी 128, 128 दुनी कितने हुए दोस्तों? 256, और 256 दुनी कितने? 512। तो दोस्तों 2 की पावर 9 का मान कितना हुआ है? 512 हुए हैं। तो कितने हुए दोस्तों? 512 हुए। इस तरीके से सवाल का आंसर कितना है दोस्तों? 512 हो गया। आगे देखिए दोस्तों किस तरीके से देखेंगे, इसी तरीके का एक सवाल हम यहाँ पे भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या है? 2 की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? 2 की पावर 2। और जैसे कि आपको बताया गया कि हम गुणा में घात अगर बेस समान है तो गुणा में घात को क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ लेते हैं। इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे भी बेस समान है, यहाँ पे भी बेस क्या है दोस्तों? समान है, और बीच में है गुणा का चिन्ह। तो इस तरीके से बेस को केवल 1 बार लिखेंगे और घात को 3 और 2 को क्या कर देंगे दोस्तों? प्लस कर देंगे। और इस तरीके से हमें 3 और 2 का मान जोड़कर कितना मिलेगा? 5। तो ये हुआ दोस्तों 2 की पावर 5, जिसका हम कितनी बार गुणा करें? 5 बार दोस्तों। कितनी बार दोस्तों? 5 बार गुणा करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। तो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32। तो दोस्तों इसका मान कितना हुआ? 32। देखिए दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल समझ लेते हैं। कितना हुआ दोस्तों? 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। तो सेम मेथड लगेगा दोस्तों कि अगर बेस समान है तो पावर क्या होगी? जुड़ जाएंगी, पावर गुणा में जुड़ जाएंगी, बीच में गुणा है दोस्तों। तो 5 लिखेंगे बस आप, क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ 5, और जो पावर है आपकी ये 2 और ये 3, इनको दोगे प्लस कर जोड़ देंगे आप दोस्तों। तो 2 और 3 जोड़ देंगे आप, तो कितना आएगा दोस्तों? 5, और 3 और 2 जोड़कर कितना दोस्तों? 5। और आप इनकी 5 बार गुणा कर देंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5 और गुणा दोस्तों कितने? 5। देखिए दोस्तों 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 625 और 625 दोस्तों 31, 25। तो इस सवाल का आंसर कितना आया दोस्तों? 31, 25। उम्मीद है दोस्तों चीज आपको समझ में आ रही है बेहतर ढंग से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा? ए की पावर एक्स प्लस वाई डॉट, यानी कि गुणा है दोस्तों। इस डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? गुणा है। क्या है? गुणा है। तो ए की पावर एक्स प्लस वाई गुणा ए की पावर एक्स माइनस वाई। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे हैं शायद, यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस क्या है? समान है, और बीच में क्या है? गुणा। तो दोस्तों ये बेस जो ए है ए की बार लिखा जाएगा, और जो इसकी घात है वो क्या होगी दोस्तों? जुड़ जाएगी। तो ये तो घात है एक्स प्लस वाई, और ये दूसरी घात है दोस्तों कितनी? एक्स माइनस वाई। और हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो बीच में हमने लगाया प्लस। और आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि प्लस के वाई और माइनस के वाई क्या होंगे यहाँ पे? कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो दोस्तों बताइए ए की पावर एक्स और प्लस के एक्स, तो एक्स और एक्स जुड़कर कितने होते हैं दोस्तों? 2x। तो दोस्तों देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स के एक्स में गुणा कर दें तो होता है एक्स की पावर 2, लेकिन एक्स प्लस एक्स कितने होंगे दोस्तों? ये 2x होंगे। समझते हैं आप? बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है सवाल? तो देखिए दोस्तों क्या है सवाल हमारा? अंडर रूट ए की पावर 2 गुणा ए की पावर कितना है दोस्तों? 4 है। तो देखिए दोस्तों पहले आप अंदर जो है रूट के अंदर लिखा है इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, और देखिए दोस्तों क्या लिखा है, क्या बेस समान है और क्या बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है? तो बिल्कुल लगा हुआ है दोस्तों। तो क्या करिए दोस्तों, ए को 1 बार लिखिए और जो पावर है 2 और 4 उसको जोड़ लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ए की पावर कितने में? 6, और उस पर लगा है रूट। तो जब भी दोस्तों रूट लगा हुआ हो तो जो भी अंदर की पावर है वो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? आधी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि रूट का जनरली मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/2। क्या होता है दोस्तों? 1/2। तो मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 1/2। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या हो, 2 हो पावर, तो कितना होगा बताइए? 2/2। तो 2 का आधा कितना हुआ दोस्तों? 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना? 1 हुआ। अगर यहाँ पे दोस्तों 6 पावर होगी तो कितना होगा? समझ सकते हैं आप क्या होगा दोस्तों? कि ए की पावर 6 है और उसके बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों? 2 आ जाएगा ना। 6 के बटे में कितना आ जाएगा? 2। इस तरीके से तो आधी पावर होनी है केवल। तो दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि रूट से आधी होगी पावर। तो 2 की पावर 6 बना था दोस्तों। कैसे बना था? 1 की पावर 2 था, यहाँ 1 की पावर 4 था। तो आपने ए लिखा, 2 और 4 को जोड़ दिया, 2 और 4 कितने में दोस्तों? 6 हुए। और आपको पता है कि बाहर रूट लगाए तो पावर आधी होगी दोस्तों। 6 के बटे में 2 आया, रूट की वजह से 6 के बटे में 2 आया। तो आधी पावर कितनी? 6 का आधा दोस्तों 3। तो आंसर कितना आया दोस्तों? 1 की पावर 3। देखिए दोस्तों अगला जो हमारे सवाल है वो इस रूल पे बेस्ड है कि जब बेस समान हो और क्या हो दोस्तों? भाग हो, तो क्या होता है? तो घात जो है दोस्तों क्या होती है? घट जाती है दोस्तों। क्या होती है? घात घट जाती है। गुणा था तो जुड़ रही थी दोस्तों, भाग है तो क्या है? घट जा रही है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके पे हम यहाँ पे ये सवाल करने वाले हैं। तो हमें बताना है 3 की पावर 5 और भाग 3 की पावर 2 का मान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है?
तीन है, यहाँ पे बेस क्या है तीन है, यहाँ पे भी दोस्तों क्या है बेस तीन है, तो तीन लिखिए और पावर को पांच में से दो को क्या करिए दोस्तों घटा दीजिए। जब गुणा था तो दोस्तों जोड़ रहे थे, जब गुणा था तो दोस्तों पावर जोड़ रहे थे, अगर भाग है तो क्या करिएगा घटाइएगा। तो दोस्तों बताइए क्या आया है, तो तीन की पावर पांच में से दो जाके कितने बचे हैं दोस्तों तीन, तो भाग है यहाँ पे दोस्तों आपको देख पा रहे हैं भाग है यहाँ, तो हमने पावर को क्या करा है घटाया है, भाग के बाद हमने क्या कराया दोस्तों घटाया है पावर को, तो तीन एक ही बार लिखा बस है ना दोनों में था यहाँ पे, और यहाँ पे पांच में से ना दो घटा रहे हैं, तो पांच में से दो घटा कितने बचा है दोस्तों तीन बचा है, तो तीन की पावर तीन कितना हुआ दोस्तों तीन गुणा तीन गुणा तीन, आप भली बात ही समझते हैं, तीन तीन होती है कितने दोस्तों सत्ताईस, तो इस तरीके से सवाल का आंसर कितना है दोस्तों 27, तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है 27। आगे बढ़िए दोस्तों समझते हैं इस सवाल को, तो दोस्तों यहाँ दो है यहाँ पे दो है यहाँ पे क्या लगा हुआ है भाग लगा हुआ है दोस्तों, तो ये दो आप एक ही बार लिखेगा और पावर को क्या करिएगा क्योंकि भाग है तो घटाना है दोस्तों, भाग है तो क्या करना है घटाना है, तो बताइए दोस्तों दो की पावर चार माइनस तीन तो बचेगा क्या, दो की पावर चार में से तीन जाके एक, और दो की पावर एक का मतलब ही क्या समझते हैं हम लोग दो समझेंगे दोस्तों, तो इस सवाल का आंसर कितना हुआ दोस्तों दो हुआ। आगे बढ़े तो अगला सवाल क्या है दोस्तों चार की पावर आठ भाग चार की पावर छह, तो बताइए दोस्तों भाग है तो क्या करिए घटा दीजिए पावर को, बस चार को एक ही बार लिखिए बस लिखिया, और ये आठ में से छह को घटा दीजिए, बताओ दोस्तों आठ में से छह जाके बचे कितने पावर में चार की पावर में दो, और जो कि चार का वर्ग है तो चार का वर्ग कितना होता है दोस्तों सोलह, तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों सोलह। उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक सवाल बच गया है हमारा भी जो हमने लिखा हुआ था बोर्ड पे पहले ही, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, आप समझ गए हैं अब तक के नियम के अनुसार कि अगर भाग है और बेस समान है तो पावर घटानी है दोस्तों, तो ए और नौ माइनस सात तो क्या हुआ दोस्तों नौ में से सात जाके कितने बचे दो, और ए की पावर दो का हम हल भी नहीं कर सकते तो यहीं पे छोड़ देंगे, तो आंसर ही। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तो देखिए दोस्तों ये रूल हम कल आपको बताए हैं तो बेहतर है दोस्तों एक तरीके से आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों सभी बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और इस तरीके से लिए हैं ताकि जो हमने कल रूल्स पढ़े हैं उनका रिवाइज हो जाए दोस्तों, बेहतर ढंग से हमें ये चीजें समझ में आ सके, हम कल और कुछ बेहतर तरीके के क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है दो की पावर दो और ब्रैकेट के बाहर क्या है तीन है, और दोस्तों आपको एक रूल बताया गया कि अगर यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है दोस्तों तो आप पावर्स की गुणा कर सकते हैं, आप क्या करेंगे दोस्तों पावर की गुणा करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, क्या यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है जी हाँ बिल्कुल लगा हुआ है, तो इस तरीके से हमने लिखा दो, ये दोस्तों कौन सा दो है ये आप समझ ही पा रहे हैं ये बेस वाला दो है, और यहाँ पे दो पावर है जो कि हमें दिख रही है और बीच में है ब्रैकेट इसलिए इनकी हो जाएगी गुणा, और देखिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं दो तीन छह और चाहे तो दोस्तों हम इनको एक्सपेंड कर सकते हैं दो की पावर छह को कैसे कर सकते हैं दोस्तों दो की छह बार गुणा, और वो कैसे करते हैं दोस्तों देखिए कर देते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छह, तो देखिए दोस्तों दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस दुनी चौंसठ, तो इसका फाइनली आंसर कितना है दोस्तों चौंसठ। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही है, आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तो अगला सवाल है हमारा तीन की पावर तीन और ब्रैकेट लगा हुआ है दोस्तों बाहर पावर कितनी है दो है, तो ये है हमारा अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे भी ब्रैकेट है और अगर यहाँ पे भी ब्रैकेट है तो ये बेस आप ऐसे लिखिए और ये जो दो है नंबर और यहाँ पे बीच में क्या है ब्रैकेट, तो गुणा कर दीजिए दोस्तों इनकी, तो तीन दूनी छह, तो दोस्तों तीन की पावर कितना हुआ छह हुआ दोस्तों, आप इसको भी इस तरीके से खोल सकते हैं जैसे कि आपको बताया गया है दोस्तों कि आप इसको किस तरीके से खोल सकते हैं, तो देखिए दोस्तों आपने तीन की कितनी बार गुणा करी छह बार, एक दो तीन चार पाँच छह, तो दोस्तों तीन तीये नौ, नौ तीये सत्ताईस, सत्ताईस तीये इक्यासी, इक्यासी तीये दो सौ तैतालीस, और दो सौ तैतालीस तीये कितना होंगे दोस्तों दो सौ तैतालीस तीये कितने होंगे दोस्तों तीन तीये नौ और चौबीस तीये बहत्तर, तो दोस्तों कितने होंगे सात सौ उनतीस, तो फाइनली इस सवाल का जवाब कितना रहा है दोस्तों 729। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, तो अगला सवाल क्या है हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे है ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है दोस्तों, और कल हमने आपको ये बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया दोस्तों कि अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये पावर खुलेगी दोस्तों क्या होगी दोस्तों दो की पावर तीन हल होगा, ये दो की पावर तीन हल होगा, ये बेस में दो जो का तो रहेगा और ये दो की पावर तीन कैसे हल होगा दोस्तों दो गुणा दो गुणा दो अर्थात तीन बार गुणा करेंगे दो की, तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, तो दोस्तों यहाँ कितना आया है दो की पावर आठ आया है, जबकि दोस्तों यहाँ पे कितना है यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों गुणा होगी किसकी दो की और तीन की, और गुणा करने के बाद कितना आएगा छह, तो दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ दो की पावर छह,
और दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 की पावर 8 कितना होगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 कितने में दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो देखिए दोस्तों 8 बार 2 की पावर 8 खोल लें तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, 64 × 128, 128 × 256। तो दोस्तों इसका मान जो हुआ है वो है 256, जबकि 2 की पावर 6 तो 2 की पावर 6 कितना होगा दोस्तों, केवल 6 ही लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32 × 64 हुए दोस्तों। और इनको अगर जोड़ दें दोस्तों, 6 और 4 10 और 5 और 6 11 और 1 12 और दोस्तों यहाँ पे 1 हासिल के बाद आया है ये 320। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर आया है दोस्तों 320। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा अगला सवाल, 625 की पावर 1/4। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, पावर 1/4 का मान बताइए। तो दोस्तों अगर आपको ये 1/4 पावर सोल्व करना है तो देखिए दोस्तों आप अच्छे समझते हैं कि अगर 1/4 को आप अच्छे से हल करना चाहते हैं तो यहाँ गुणा में एक ऐसा नंबर हो जो 4 से 4 को काट दे तो पावर बेहतर तरीके से सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं कितना, 5 की पावर कितना 4। दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, 625 को 5 की पावर 4। अब बेहतर ढंग से ये बात समझते हैं, अगर नहीं भी आ रही है समझ में तो हम दोस्तों आपको करके दिखा देते हैं। तो 5 × 5, 5 × 10 और दोस्तों 5 × 25, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 25 और दोस्तों 5 × 5। तो देखिए दोस्तों कितना है, 4 आया। तो दोस्तों लिख सकते हैं ना 5 की पावर 4 और ये कितना हुआ, 1/4। और जैसे कि अब तक हमने समझा कि अगर ब्रैकेट है तो पावर की हम गुणा कर सकते हैं। दोस्तों ये 5 का 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे पावर है 4 और गुणा होगा 1/4। बताइए दोस्तों क्या 4 से 4 कैंसिल कर दें और क्या बचेगा 5 की पावर में 1 और 5 की पावर का 1 का मतलब ही क्या समझेंगे हम, केवल 5। तो दोस्तों इस तरीके से इस सवाल का आंसर आ रहा है 5। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देख लेते हैं क्या होगा इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो दोस्तों ये ऐसे खुलेगा, 3 की पावर कितना 2 खुलेगा, 3 की पावर दोस्तों क्या होगा, 2, 3 × 3 अर्थात कितना, 9। तो दोस्तों 2 की पावर ये 2 हमने यहाँ लिखा, 3 की पावर 2 कितना दोस्तों, 9। और ये दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट है तो दोस्तों 3 की और 2 की गुणा होगी और 3 × 9 कितने होंगे, 6। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 6। अब बताइए दोस्तों 2 की पावर 9 है और भाग है 2 की पावर 6। तो दोस्तों क्या इस 2 को हम केवल 1 ही बार लिखें और भाग होने की वजह से पावर को घटा दें, बिल्कुल दोस्तों अब तक हमने ऐसा समझ चुके हैं हम ऐसा। तो दोस्तों देखिए 2 लिखा हमने और 9 में से 6 जाके कितना बचा है, 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 2 × 2 है ना, / 2 यानी कि 2 × 4 × 8। तो सवाल का आंसर आया है दोस्तों 8। तो देखिए दोस्तों बढ़ चले अपने अगले सवाल की ओर, क्या है दोस्तों, 5 की पावर 2 की पावर कितना 0 और इसका मान क्या होगा हमारा। तो दोस्तों 5 की पावर है 2 और गुणा में है कितना दोस्तों, 0। तो देखिए दोस्तों 2 × 0 कितना होगा, 0। सब जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या की 7 अगर गुणा की गुणा कर दें तो क्या होगा दोस्तों, परिणाम 0 ही प्राप्त होगा। अब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर केवल और केवल इकलौता आता है दोस्तों कितना, 1 आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों, 1, केवल और केवल कितना, 1 आता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल भी देख लेते हैं और क्या है इस सवाल में। तो देखिए दोस्तों बेहद ही आसान सवाल है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 और ये 4 है ही और दोस्तों ये कितना है, 8। 2 की पावर 4 कितना होगा दोस्तों, 2 की 4 बार गुणा करने से क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 2 की पावर 4 का मान, तो 2 × 4 × 8 × 16 तो दोस्तों कितना प्राप्त हुआ, 16। देखिए दोस्तों 4 से आपने 16 काटा 4 बार, 4 से कटा 4 और इस तरीके से केवल बचा है क्या, 8। और इसलिए इस सवाल का आंसर भी कितना हुआ है दोस्तों, 8। तो देखिए दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप हमारे ऑफलाइन बैच के लिए भी हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ रही है। आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।